फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एफसी में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जियो की फ्री कॉलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे कई दोस्तों और सब्सक्राइबर्स ने नीचे वीडियो में कमेंट करके पूछा है कि जो जियो की फ्री कॉलिंग है इसको आप लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसके रिलेटेड कई क्वेश्चन है जिनके मैं आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं कि क्या जियो 31 मार्च के बाद आपको फ्री कॉलिंग देगा या नहीं देगा, या फिर अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं तो क्या आपको फ्री कॉलिंग मिलेगी, या अगर आप प्राइम मेंबरशिप जो 99 का रिचार्ज हो रहा है इसको अगर नहीं लेते हैं, अगर आप प्राइम मेंबरशिप में एनरोलमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या आपको फ्री कॉलिंग मिलेगी, या फिर जो 303 रुपये वाला रिचार्ज है इससे भी कोई कम का रिचार्ज है जिसमें आपको फ्री कॉलिंग मिल पाए। तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप जियो की फ्री कॉलिंग यूज़ करना चाहते हैं और सिर्फ जियो को कॉलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप उसमें इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट बहुत कम यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक और ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हम कॉलिंग से रिलेटेड जियो के सारे फंडे इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल टेक एफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस रेड बटन पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। और फ्रेंड पास में जो बेल का आइकॉन दिख रहा है इस पर भी टैप कर दीजिए, जिससे क्या होगा जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख पाएंगे और हमारी टिप्स और ट्रिक्स सीख पाएंगे। और फ्रेंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जो जियो की कॉलिंग है वो आपको 31 मार्च के बाद फ्री मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स इसका क्लियर जवाब है कि जियो अब बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए पैसे देना होंगे। 31 मार्च के बाद जैसे ही जियो का हैप्पी न्यू ऑफर ख़त्म होगा, आपका इंटरनेट के भी पैसे लगेंगे और आपकी कॉलिंग के भी पैसे लगेंगे, ठीक है। तो 31 मार्च के बाद आपके लिए अब कुछ भी फ्री नहीं रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं तो क्या आपको कॉलिंग फ्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं आप एक क्लब में ज्वाइन हो जाएंगे जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएंगे। जो जियो की जो एप्लीकेशन है जैसे जियो टीवी हो गया, जियो मनी हो गया, ये चलाने के लिए फ्री मिल जाएंगी, लेकिन आपको दूसरी फैसिलिटी जैसे डाटा हो गया या फिर आपके कॉलिंग हो गई ये फ्री नहीं मिलने वाली है, इनके लिए आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। वो दोस्तों हाँ, बाकी ये बात है कि प्राइम मेंबरशिप में जो लोग इन्रोलमेंट करवा लेंगे उनको जो डाटा है उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो जो नॉन प्राइम मेंबर्स रहेंगे उनके कंपेयर में कुछ ज़्यादा डाटा मिलने वाला है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर आप जियो का प्राइम मेंबरशिप नहीं लेंगे तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक 303 रुपये के प्लान में आपको कंपेयर करके बता देता हूँ मैं कि अगर आप जियो का एक प्राइम मेंबर 303 का प्लान लेगा और एक जियो का नॉन प्राइम मेंबर 303 का प्लान लेगा तो कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप अगर कॉलिंग की बात करें जाएँ तो दोनों के लिए कॉलिंग फ्री है, लेकिन जो प्राइम मेंबर को जो डाटा मिलने वाला है वो डेली 1 GB लिमिट का हाई स्पीड डाटा मिलने वाला है, लेकिन जो नॉन प्राइम मेंबर है उसको तो सिर्फ 2.5 GB डाटा मिलने वाला है पूरे महीने के अंदर, मतलब 2.5 GB पूरे मंथ में है, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो उसको जितने दिन में चाहें, आप चाहें तो 10 दिन में खर्च कर लीजिए, 2 दिन में कर लीजिए, या पूरे महीने भर उसको चला लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं 303 के रिचार्ज की, क्या 303 से कम का रिचार्ज है जिसमें आपको फ्री कॉलिंग मिल पाएगी। तो दोस्तों आप 149 का रिचार्ज भी करवा सकते हैं जिसमें आपको फ्री कॉलिंग बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन उसमें जो इंटरनेट मिलने वाला है वो सिर्फ 1 GB मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जियो का सिम जो है वो सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करना है तो आपको प्राइम मेंबरशिप भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और 303 का रिचार्ज करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ 149 वाले रिचार्ज में हो जाएगा। 31 मार्च के बाद आप 149 का रिचार्ज करवा लीजिए जिसमें आपको कॉलिंग फ्री मिलने ही वाली है और साथ ही 1 GB का हाई स्पीड डाटा भी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ कॉलिंग के लिए जियो का सिम यूज़ करना चाहते हैं तो 149 का रिचार्ज जो है वो आपके लिए सफिशियंट है, आपको कोई प्राइम मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई 303 का रिचार्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी जियो के जो फ्री कॉलिंग का जो प्लान्स है या उसके क्या फंडे हैं वो सब पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।